आपको ऐसा भी क्वेश्चन रहता है कि ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नाइन अंडर रूट 9.3, ज्योमेट्रिकली आपको रिप्रेजेंट करना होता है 9.3 को। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करने का क्या है इसमें कि आपको अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको फर्स्ट ड्रॉ इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर की ए बी लाइन ड्रॉ कर देनी है। बाद में इसको भी 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करना है एंड एक्सटेंड 1 सेंटीमीटर बी सी, बी से सी तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करेंगे। नाउ टेक सेंटर ए सी एच ओ, ठीक है, एसी का सेंटर ओ लो। तो वो सेंटर फाइंड आउट करने के ऊपर नीचे आर्क लगाने का रहता है। सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या होगा, एक ओ सेंटर रख के आपको एक ऊपर आर्क लगाओ, वही रेडियस के नीचे आर्क लगाओ, उसी तरह सेम रेडियस के सी को सेंटर लेके ऊपर नीचे आर्क लगाओ। तो जहां पर वो लाइन ड्रॉ करोगे, वो जहां पर इंटरसेक्ट करते होगे, वो क्या होगा, आपका सेंटर होगा। आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करोगे तो ही परफेक्ट फिगर बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। कितना रेडियस का, वो रेडियस कोई भी रेडियस आप ले सकते हो, ओके, वो रेडियस की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ज्यादा लोगे कम लोगे, बट लिमिटेशन ऐसे होना कि हाफ से ज्यादा होना चाहिए, आधे से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको सेंटर मिलता है उसका नाम ओ दे दो, ओके। अब क्या करना है, ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस, ओके, ड्रॉ सेमी सर्कल विथ रेडियस सेंटर ओ, ओ को सेंटर लेना है एंड ओ ए जितनी रेडियस लेनी है, ओके, रेडियस ओ ए, ओ ए जितनी रेडियस लेके आपको क्या करना है, जैसे बाद में ओ को सेंटर रख के ऐसे आर्क सर्कल बना देना है, ओके। नाउ अब क्या करना है, ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, ए सी से परपेंडिकुलर आपको बी डी लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि यहाँ पे से ऐसे 90 डिग्री होती होना चाहिए ऐसे, और ये जो पॉइंट पर जहां पर इंटरसेक्ट करे उसका नाम क्या देने का, डी नाम देने का, ओके। एंड आपको क्या करना है, जो ए बी सी लाइन है उसको एक्सटेंड करना है, एक्सटेंड ए बी सी ए बी सी 2x, ओके, ये ए बी सी लाइन है उसको एक्सटेंड करना है कहाँ तक, एक्स तक, यानी कि ऐसे रे बना दो, या तो ड्रॉ रे, BX आपको रे बना देना है। बाद में आपको क्या करना है कि बी को सेंटर लेकर, बी को सेंटर लेना है और बी डी रेडियस लेनी, ड्रॉ आर्क ऑन बी एक्स, बी एक्स के ऊपर आपको आर्क लेनी है, ड्रॉ करनी है विथ सेंटर बी एंड रेडियस बी डी, बी को सेंटर लेना है और डी बी डी जितनी रेडियस लेनी है और आपको आर्क इसे आर्क बना देनी, और जो जहां पर इंटरसेक्ट करे उस पॉइंट का नाम दे दो एंड गिव अ नेम, नेम ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट,
एंड बी ई इज इक्वल टू कितना होगा, बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9.3 हुआ, कितना होगा 9.3, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 9.12 ऐसा कुछ आपको मिल, 3.12 ऐसा कुछ मिलता होगा, वन टू वन टू के आसपास ही मिलता होगा। ओके समझ में आया पूरा? और ये जो ई पॉइंट है उसको ऐसा कर देना, अंडर रूट 9.3 रिप्रेजेंट कर देना, लिख देना, यानी कि आपका खत्म हो जाता है पूरा क्वेश्चन।